साथियों, नई शिक्षा नीति 2019 के प्रतीक्षा में है बिहार सरकार। इसलिए बहाली करने के बदले रेशनलाइजेशन अर्थात समायोजन का हवाला देकर अभ्यर्थी के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। बहाली के लिए और सिर्फ बहाली के लिए सभी सफल अभ्यर्थी पटना आए और महाआंदोलन आमरण अनशन का जो प्रस्तावित सब लोगों ने किए हैं मिल करके उसको सफल बनाना है। बहाली के लिए बस यही एक रास्ता बचा है, नहीं तो एक और एग्ज़ाम की तैयारी में सब लोग लग जाएं। और इसलिए बचने का अब एक ही रास्ता है, सिर्फ और सिर्फ महाआंदोलन पटना की धरती पर करना होगा। महाअभियान आमरण अनशन का विशाल रूप में इसको हम लोग को करना पड़ेगा। इसके लिए सब लोग तैयार होकर के पटना आए, नहीं तो हम लोग को बहुत मुश्किल होती जा रही है अब बहाली की प्रक्रिया। सरकार निश्चिंत हो गई है, वो बहाली करना नहीं चाहती है और सरकार बिना लड़े हुए कुछ देने वाली भी नहीं है। तो इसके लिए एक ही रास्ता रह गया है, अनिश्चितकालीन आमरण अनशन। इसकी सफलता तो हम लोग देख चुके हैं, 9 दिन पहले भी हम लोग आमरण अनशन पर बैठ चुके हैं और संपूर्ण रूप में सफलता मिली है। अब पुनः वह समय आ गया है, नहीं तो सर्टिफिकेट आए हुए 2 साल हो गया और सरकार इंतजार कर रही है और 2 साल 3 साल 4 साल का, और उसके बाद हम लोग को लड़ना पड़ेगा सर्टिफिकेट की वैलिडिटी बढ़ाने के लिए। तो ये सब न करना पड़े और तत्क्षण बहाली प्रक्रिया सरकार को शुरू करने सरकार करे, इसके लिए है कि उसको मजबूर करना होगा। और मजबूर हम लोग कर सकते हैं, किए हैं और पुनः अब दोबारा करने के लिए हम लोग गर्दन निभाग की तरफ सब निकल रहे हैं। तो आप सब साथी संपूर्ण तैयारी से पटना चले, यही एक रास्ता बचा है अब बहाली के लिए और अपने महाआंदोलन महाविशाल अभियान अनिश्चितकालीन आमरण अनशन को सफल करें। अब समय नहीं रह गया है, 10 तारीख सब लोग रट चुके हैं। यदि अब आप पीछे रहते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी बहाली प्रक्रिया शुरू करवाने के लिए। इसके लिए एक ही रास्ता बचा है और उसको हम लोग को पूरा करना है। सरकार चाह रही है कि हम लोग घर बैठे रहें और वो अपना समय बिताते रहें, लेकिन पटना की धरती पर जो प्रस्तावित महाआंदोलन है इसको सफल करते हुए हम लोग सरकार की हर चाल को नाकाम कर सकते हैं। आप देख ही चुके हैं कि हक के लिए किस तरह से नीतीश कुमार को पत्थर भी खानी पड़ी थी नंदनग्राम बक्सर में। तो आवश्यकता पड़ी तो हम लोग भी पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन इसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है संख्या बल। तो आप सब लोग संपूर्ण रूप में पटना चलें, यदि बहाली लेनी है तो ग्रुप्स और यूट्यूब पर देख करके अपडेट ना हो। जय हिंद।